और दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाक अफराद की तादाद 4,66,848 हो गई। मुतासर अफराद की तादाद 89,21,385 तक जा पहुंची है। अमेरिका में मोहलिक वायरस 1,21,980 अफराद की जिंदगियां निगल चुका है। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 1,21,980 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 23,30,578 हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना के मरीजों की तादाद 10,70,139 तक जा पहुंची है, जबकि यह वायरस 50,058 जिंदगियां निगल चुका है। बरतानिया में अमवात की तादाद 42,589 हो गई, जबकि कोरोना के केसेस की तादाद 3,03,110 हो चुकी है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया है। भारत में कोरोना वायरस से 13,277 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा मरीजों की तादाद 4,11,727 हो गई। इटली में कोरोना वायरस की वबा से मजमुई अमवात 34,610 हो चुकी हैं। फ्रांस में वायरस के बायस मजमुई हलाकतें 29,633 हो गई। स्पेन में अब तक इस वबा से अमवात 28,322 हो चुकी हैं, जबकि कोरोना वायरस रूस में 8,002 अफराद की जिंदगियां निगल गया है। जर्मनी में कोरोना से कुल अमवात की तादाद 8,961 हो गई। पीरू में कोरोना वायरस के बायस 7,861 हलाकतें अब तक हो चुकी हैं। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 9,507 हो गई, जबकि कुल 2,02,584 हो गए हैं। तुर्की में कोरोना वायरस से जान बहक होने वालों की तादाद 4,927 हो गई, जबकि कुल केसेस की तादाद 1,86,493 हो गई है। सऊदी अरब में अब तक कुल अमवात 1,230 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि इसके मरीजों की तादाद 1,54,233 तक जा पहुंची है।